हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसिग्निया। माय नेम इज़ इम्तियाज़ उलक। इस वीडियो में हम लोग केबीएस का जो लाइब्रेरियन का सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और ये क्रैश कोर्स वीडियो है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगी मैं आपको बताऊंगा और अपडेटेड चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। करेंट चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप सबको लिख लीजिएगा, नोट्स अपना बना लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है पार्ट वन क्या है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, जो पहला हमारा पॉइंट है क्या है, लाइब्रेरी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग बुक। इन ग्रीक एंड द रोमन्स लैंग्वेजेस द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म इज बिब्लियोटेका। मतलब क्या है कि आपसे सवाल ऐसे पूछ लेगा कि लाइब्रेरी जो है लैटिन वर्ड से जो आया उस वो किस वर्ड से आया, तो लैटिन से आया है, जिसका मतलब क्या है, लीवर, और लीवर का मतलब क्या है, बुक। तो ऐसे आपसे सवाल पूछेगा कि लाइब्रेरी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लीवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे ग्रीक और रोमन लैंग्वेज में पूछे तो उसका मतलब क्या है, बिब्लियोटेका, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके राइटिंग मटेरियल्स होती हैं, ठीक है, ये भी कभी कभी आपसे सवाल ऐसे पूछ लेता है, क्ले टेबलेट्स और पेपीरस और बिर्च बार्क कहाँ का राइटिंग मटेरियल्स है, ठीक। तो याद रखिएगा हमेशा कि क्ले टेबलेट्स जो है आपका समेरियंस, बेबीलोनियंस और असीरियंस का है, ठीक है ना, ये राइटिंग मटेरियल्स है, ठीक। उसके बाद पेपीरस जो है इजिप्शियन का है, इजिप्ट्स में, ठीक, और बिर्च बार्क कहाँ का है, अपना इंडिया का है। इसी तरह से एक सवाल पूछ लेता है कि पेपर जो है वो कहाँ इन्वेंट हुआ सबसे पहले, तो चाइना में। और जब सवाल पूछेगा आपसे कि इंडिया में पेपर का इन्वेंट सबसे पहले किसने किया, तो मोहम्मदंस ने किया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप ई ज्ञानकोश पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइटिंग मटेरियल्स का। ये चीज़ याद रखना है कि क्ले टैबलेट्स, पेपीरस और बिर्च बार्क इंडिया, और बिर्च बार्क के साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, पाल्म लीव्स, ये भी इंडिया का ही है, ठीक है, राइटिंग मटेरियल सब, ठीक। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज। अब हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज में आपको थोड़ा सा ये देखना है कि लाइब्रेरीज की हिस्ट्री जो थी पहले क्या था, पहले लाइब्रेरी वर्ड नहीं था, ठीक है ना। पहले जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट था वो एज अ आर्काइव और एज अ स्टोर हाउस यूज़ किया जाता था, ठीक है। और पहले लाइब्रेरी जो होती थी वो हर किसी के लिए नहीं होता था, ठीक है, हर कोई उसका यूज़र्स भी नहीं होता था, ठीक, और उसके कलेक्शंस जो होते थे वो भी हर किसी के लिए नहीं होता था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसमें आप हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज़ में ये कर दीजिएगा कि तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक। एक होगा आपका एंशियंट, दूसरा आपका मिडिवल, और तीसरा आपका जो मॉडर्न होगा या ब्रिटिश कह लीजिए, जिसमें प्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस हो जाएगा, मतलब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है, एक होता था एंशियंट की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स जो लिखी हैं वो एंशियंट का है। ये सवाल एक बार एग्ज़ाम में पूछ लिया है वेस्ट बंगाल में, सेट का जो पेपर है वहाँ से, तो इसमें ये पूछ लिया था टॉप जो फोर हैं उनके बारे में कि इसको अरेंज करने के लिए दे दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि लाइब्रेरी ऑफ असुरबनिपल जो है 7th century BC में आया, ठीक है। उसके बाद आपका लाइब्रेरी ऑफ परगामम जो है 3rd century BC, फिर आपका विल्ला ऑफ दी पेपिरी 79 AD और लाइब्रेरी ऑफ सेल्सस 117 AD में, ठीक है, और उसके बाद से नालंदा यूनिवर्सिटी 400 AD में। अब यहाँ पे आपका जो पहला है लाइब्रेरी ऑफ असुरबनिपल, ये 7th century BC जो है ये कहाँ पे है, लाइब्रेरी ऑफ असुरबनिपल ये जो है आपका नीनवे असीरियाज में है, ठीक है, असीरियंस जगह है वहाँ पे है। उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ परगमम जो है ये आपका अभी कहाँ है, टर्की में, ठीक, जिसको तुर्की अभी नाम उसका हो गया है, ठीक। उसके बाद विल्ला ऑफ द पेपिरी जो है आपका कहाँ है, इटली में है, और फिर आपका लाइब्रेरी ऑफ सेल्सस जो है वो आपका कहाँ है, टर्की में है, ठीक। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी, सबको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिहार में, इंडिया में, ठीक। अब नालंदा यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज, ठीक, बहुत फेमस
आप लोग वर्ड से याद होगा कि आप लोग सुने भी होंगे धर्मगंज। इसमें तीन बिल्डिंग्स थी, और ये भी थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी सवाल जो होता है आपसे कि ऐसे ही पूछ लेगा आपसे कि ये बताइए कि इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में तीन बिल्डिंग्स का नाम बताइए, ठीक है? तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, जो तीन बिल्डिंग थी नालंदा लाइब्रेरी में, उसका नाम आपसे पूछेगा तो बताइएगा रत्न सागरा, रत्न रंजका और रत्नोदाधि, ठीक है? ये तीनों चीज़ याद रखिएगा नालंदा यूनिवर्सिटी में तीन बिल्डिंग्स का, और कहाँ पे है तो बिहार में है, ठीक है? उसके बाद ये आपका एंशियंट है, और भी है जैसे लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी है, और आपको और भी देखेंगे अगर आप तो लाइब्रेरीज ऑफ दी ट्रोजन्स फोरम जो आज के टाइम में रोम में है, ठीक है? ये भी आपकी एंशियंट लाइब्रेरीज है। तो खैर इतना याद रखिएगा आपने, ठीक है ना? ये एंशियंट से आपका इतना सवाल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक? उसके बाद एक सवाल और नालंदा यूनिवर्सिटी से हो जाता है कि किसने इसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है? तो ये डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, इसको डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, मतलब बर्बाद किया था एक तरह से समझिए, ठीक है ना? और 1193 में, इसका ईयर भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक? तो ये आपका क्या था, एंशियंट का था। अब अगर बात करें हम मिडिवल की, तो मिडिवल में जो मुगल का पीरियड था, तो मुगल में जैसे मुगल्स भी क्या थे, बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन थे, है ना? और बिब्लियोफाइल थे, मतलब बुक लवर्स थे। तो जैसे एक सवाल पूछ लेता है कि आपसे कौन से मुगल एम्पायर जो थे जिनकी सीढ़ी से गिरने पे मौत हो गई, हुमायूं। हुमायूं जो थे इतने पढ़ने के शौकीन थे कि वो किताब पढ़ते पढ़ते उनकी क्या हुई, स्लिप कर गए सीढ़ी से और वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है? और मेडिवल में और एक बात करें तो एक इम्पीरियल लाइब्रेरी 1891 वाला नहीं, ये इम्पीरियल लाइब्रेरी, हम मेडिवल की बात कर रहे हैं। तो इम्पीरियल लाइब्रेरी जो थी जलालुद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने स्टेबलाइज की, बनाई। और उसकी जो एक सवाल पूछ लेता है कि कौन वहाँ पे लाइब्रेरियन अपॉइंट किया उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने, तो अमीर खुसरू को अपॉइंट किया था एज अ लाइब्रेरियन, तो ये भी याद रखिएगा। तो उसके बाद से आपका रामपुर राजा लाइब्रेरी हो गया, तो रामपुर राजा लाइब्रेरी में आपको 1774 कहाँ पे है, तो आज के टाइम में यूपी, यूपी में है, यूपी में एक जगह है रामपुर, वहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका वही ब्रिटिश पीरियड वाला जो मैं कह रहा था कि ब्रिटिश पीरियड है, और या फिर आप उसको ये कह लीजिए कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात करें, आज़ादी से पहले की बात करें, तो जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 में बना, फिर उसके बाद से आप जाएँ तो 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी, फिर एक एमयू की भी लाइब्रेरी है 1877 में, क्या था उसका नाम, लिटन लाइब्रेरी, ठीक है? और लिटन लाइब्रेरी 1877 में बना, एमयू, एमयू का है वो, ठीक? और फिर बाद में उसका नाम मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी किया गया, ठीक है ना? उसके बाद से फिर आप 1891 में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बनी, फिर आपको इंपीरियल लाइब्रेरी, तो अभी हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेशनल लाइब्रेरी के जब पढ़ेंगे तो, ठीक है? तो ये आपका हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज में बस आपको यही याद रखना है, ये कुछ ईयर्स हैं, और इसको एंशियंट में जब आपसे बात करेगा तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद हमारा था टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में आपको याद क्या रखना है, एक तो इसका सबका थोड़ा थोड़ा आप बस एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या होती है, स्पेशल लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ठीक है ना? और इम्पॉर्टेंट तो इसमें आपको आगे नेशनल लाइब्रेरी हम लोग जो पढ़ेंगे और पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो वो है, लेकिन एकेडमिक लाइब्रेरी फिर भी अगर कोई इनके हिसाब से पूछ ले कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है ना? तो एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है कि इट इज़ दी लाइब्रेरी विच इज़ अटैच्ड टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। मतलब क्या है कि एकेडमिक लाइब्रेरी वैसी लाइब्रेरी होती है जो कि अटैच होती है, जो कि जुड़ी होती है किससे, आपके इंस्टीट्यूशन से, ठीक है ना? आप जैसे स्कूल में पढ़ते हैं या आप कॉलेज में गए फिर या आप यूनिवर्सिटी में गए, तो सब में देखेंगे आप एक, आपको एक लाइब्रेरी मिलती है, वही लाइब्रेरी आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी कहलाती है,
ठीक है। दूसरा जो है आपका स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी लाइब्रेरी क्या होती है कि अ लाइब्रेरी विच डील्स विथ स्पेशल यूजर्स ग्रुप्स हैज़ स्पेशल सब्जेक्ट कलेक्शंस एंड रेंडर्स स्पेशल सर्विसेज। यहाँ पे आपको स्पेशल लाइब्रेरी में तीन चीज़ें याद रखनी है। स्पेशल कैसे होगा कोई भी लाइब्रेरी, तो वहाँ के यूज़र्स जो होंगे वो स्पेशल होंगे, वहाँ का कलेक्शंस भी स्पेशल होगा, और वहाँ की सर्विसेज भी क्या होंगी, स्पेशल होंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, DRDO के ले लीजिए या फिर आप इसरो के ले लीजिए। तो इसरो का जो यूज़र्स होंगे वहाँ के साइंटिस्ट होंगे, ठीक है ना, और वहाँ का जो आपका कलेक्शंस होंगे वो एरोनॉटिक्स पे होंगे, ठीक है ना। वहाँ के कलेक्शंस हम लोग चाहें कि मिल जाए, कॉमर्स की कोई चीज़ मिल जाए, या मतलब हम लोग ऐसे सोचे कि सारे मिक्स मिल जाएँ, तो नहीं मिल सकता है। वहाँ का कलेक्शन ही क्या होगा, स्पेशल होगा। वहाँ की सर्विसेज जो होंगी वो क्या होंगे, स्पेशल होंगे, और वहाँ के यूज़र्स भी होंगे वो स्पेशल होंगे, ठीक है ना। वहाँ के हर एक चीज़ क्या होंगी, स्पेशल होंगी, ठीक है। तो उस तरह की लाइब्रेरीज़ को क्या कहा जाता है, स्पेशल लाइब्रेरीज। जैसे आपकी नाम से ही पता चल जाएगा, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले, चार ऑप्शन दे दे, कहे कि इसमें कौन सा स्पेशल लाइब्रेरी है, तो नाम थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से। क्या, जैसे मान लीजिए लिख दिया आपको लॉ लाइब्रेरीज, मैनेजमेंट लाइब्रेरीज, या आपको ट्रांसपोर्टेशन लाइब्रेरीज, न्यूज़ लाइब्रेरीज, मिलिट्री लाइब्रेरीज, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें आपको देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, स्पेशल लाइब्रेरीज है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है कि इट इज़ ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये अब्राहम लिंकन की क्या है, डिफिनीशन है। डेमोक्रेसी का भी डिफिनीशन सेम यही होता है, ठीक है। और पब्लिक लाइब्रेरी सिंपल ऐसे अगर समझे तो पब्लिक लाइब्रेरी का जो मतलब है वो क्या है, पीपुल, पीपुल की, पीपुल के लिए, पीपुल के द्वारा, ठीक है ना। इस डिफिनेशन का मतलब भी यही होता है ना। और पब्लिक लाइब्रेरी में जैसे आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है वहाँ पे हर कोई जाके पढ़ लेता है, ठीक है ना। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जहाँ पे ये पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं, ठीक है ना। कोई कास्ट को लेके या कोई आपको जेंडर को लेके, इस तरह के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, ठीक है। तो पब्लिक लाइब्रेरी यही है, ठीक है, लोगों के लिए होती है। आप वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे जो भी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी होंगी वहाँ के लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। और पब्लिक लाइब्रेरी में ही आपको और भी चीज़ें याद रखनी है कि इसका मैनिफेस्टो कौन रिलीज़ करता है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कौन देता है। ये भी सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो देता है वो यूनेस्को देता है। सबसे पहली बार जो दिया 1949 में दिया, ठीक। दूसरा जो उसने अपना पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो दिया 1972 में, फिर उसी को और आगे फिर कब दिया, 1994 में, और फिर अभी करेंटली जो दिया वो 2022 में दिया है। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कब दिया अभी लेटेस्ट, 2022 में, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी में आपका सेस का भी एक यूज़ होता है, CESS, एक तरह का टैक्स है ये, ठीक है। अभी अब लास्ट में जो एक स्लाइड होंगी वहाँ पे हम आपको ये लिख दिए हैं जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैं सबका, कहाँ कहाँ पे कितना सेस लगता है वो भी मैंने लिखा है, तो वहाँ पे आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा जो आता है नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी क्या है, नेशनल लाइब्रेरी इज़ अ लाइब्रेरी स्पेसिफिकली स्टेबलाइज बाई अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू सर्व एज द प्री इमिनेंट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट कंट्री। मतलब क्या है कि नेशनल लाइब्रेरी वैसी लाइब्रेरी होती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना। वहाँ कोई एक इंडिविजुअल्स नहीं बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है उसको, और गवर्नमेंट ही उसको फंड करेगी, ठीक है। और ये कंट्री का एक रिपोजिटरी भी होती है, और हर देश में एक क्या होता है आपका, नेशनल लाइब्रेरी होती है। जैसे आप नेशनल लाइब्रेरी के एग्जांपल आप लेंगे तो आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस याद होगा, 1800 में बनी, कहाँ की ये नेशनल लाइब्रेरी है, अमेरिका की। फिर उसी तरह से आप नेशनल डाइट लाइब्रेरी आप देख लीजिए, जापान की। स्टेट लेनिन लाइब्रेरी आप देख लीजिए, ठीक है, कहाँ की है, रशिया की।
तो ये आपका क्या है, नेशनल लाइब्रेरी है, और इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, कोलकाता में जो है। तो ये एग्जांपल किसका है, नेशनल लाइब्रेरी का। पब्लिक लाइब्रेरी में देखो, जो थर्ड पॉइंट है पब्लिक लाइब्रेरी में, यहाँ पे जो कलेक्शंस होती हैं, ये कलेक्शंस क्या होती हैं, जो लोग यूज़र्स होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग होगी, है ना। लेकिन नेशनल लाइब्रेरी में क्या होता है कि इसकी कलेक्शंस बहुत वास्ट होंगी, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। और पब्लिक लाइब्रेरी में जो लोग यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी को, वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होता है, कलेक्शंस को रखी जाती हैं। लेकिन नेशनल लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है, नेशनल लाइब्रेरी में कलेक्शंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी इंडिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ भी लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री आप देख लीजिए कि लिखा है, द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वाज स्टेबलाइज्ड लार्जली एट द इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर जे एच स्टेकुलर। मतलब ये है कि सवाल आपसे पूछेगा कि किसकी इनिशिएटिव है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, तो जे एच स्टेकुलर जो थे उनका इनिशिएटिव है, ठीक है। कोलकाता लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी फॉर्मड इन 1836 में, 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी। उसके बाद द इम्पीरियल लाइब्रेरी फॉर्मड इन 1891 बाई अमलगमेटिंग अ नंबर ऑफ सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज एंड द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब यह है कि इम्पीरियल लाइब्रेरी कब बनी आपकी, 1891 में, 1891 में, और ये मर्ज हो गई किसके साथ, आपको कलकत्ता पब्लिक जो लाइब्रेरी थी उसके साथ ये मर्ज हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका 1902 में क्या बनता है, इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट बनता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट जब पूछेगा तो आपको बताना है 1902 में, और कब बनी, तो 1891 में। और 1891 में ही आपका एक और बना, क्या था, खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी जो थी वो बनी। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना, इम्पीरियल लाइब्रेरी का एक्ट बना 1902 में। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि 1903 में क्या कर दिया गया, 1903 में क्या होता है, ये इम्पीरियल लाइब्रेरी जो थी आपकी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पीरियल लाइब्रेरी का ही नाम फिर क्या हुआ, 1948 में जब देश आज़ाद हो गया, तो 1948 में इसका नाम क्या हो गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से सवाल अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आपसे पूछता है सवाल कि फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी, तो कौन होंगे, जॉन मैक फॉरलेन, ये चीज़ याद रखिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। और जब कहेगा कि इम्पीरियल लाइब्रेरी के पहले जो इंडियन लाइब्रेरियन बने वो कौन थे, हरिनाथ डी, ठीक है। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक तो इनका आप ये याद रखिएगा कि 1900 इनका जो टाइम था, मैकफॉरलेन का जो टाइम था, ठीक है, 1901 था, ठीक है। और 1901 से आपको 1907 तक, ठीक है, इनका टाइम था। और हरिनाथ डी जो थे इनका कब तक था, 7 से लेके 11 तक, ठीक है, 4 साल रहे, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद आपका तीसरा चौथा जो पॉइंट है वो है कि द फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी वाज लॉन्च्ड इन 2002। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि नेशनल लाइब्रेरी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट कब लॉन्च की, तो 2002 में, ठीक है। उसके बाद द लाइब्रेरी सर्व्स इट्स रीडर्स 362 डेज ऑफ द ईयर। मतलब यह है कि जो नेशनल लाइब्रेरी है अपनी इंडिया की, वो क्या है, 362 डेज काम करती है, ठीक है, यू अपने रीडर्स के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है कि अभी करेंट कौन है, करेंट लाइब्रेरियन जो हैं आपके श्री शिवा प्रसाद सेनापति, ये इम्पोर्टेंट होगा, करेंट हैं अभी 2022 के, याद रखिएगा। उसके बाद से करंट डीजी यानी डायरेक्टर जनरल जो हैं आपके अजय प्रताप सिंह हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखना होगा कि
क्या है? जब सवाल आपसे पूछेगा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन कौन बने, तो आप बताइएगा क्या है? B.S. केशवन। ठीक है, B.S. केशवन जो थे वो पहले नेशनल लाइब्रेरी, मतलब देश जो आज़ाद हो गया 1948 में, तो कौन लाइब्रेरियन बने? B.S. केशवन, फादर ऑफ INB, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी में एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि किस आर्टिकल के तहत जो है आपका नेशनल लाइब्रेरी आता है, तो आर्टिकल 62, 7th शेड्यूल। ठीक, और नेशनल लाइब्रेरी में आपको ये भी थोड़ा याद रखना होगा कि जो 1948 में इसका नाम चेंज हुआ, 1903 में पब्लिकली ओपन हुआ इम्पीरियल लाइब्रेरी, फिर इम्पीरियल लाइब्रेरी का ही नाम नेशनल लाइब्रेरी 1948 में किया गया, और 1953 में नेशनल लाइब्रेरी को ओपन किया गया। तो नेशनल लाइब्रेरी को ओपन कब किया गया? 1953 में पब्लिक के लिए, और इम्पीरियल लाइब्रेरी को 1903 में किया गया ओपन पब्लिक के लिए। ठीक, और लाइब्रेरियन आपको याद होने चाहिए नेशनल लाइब्रेरी का, जब पूछेगा सवाल में कि नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, तो B.S. केशवन। ठीक, ये भी चीज़ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक होता है UGC। UGC का मैंने पूरा इसमें इन शॉर्ट में बहुत कुछ समझा दिया था आप लोगों को, जो भी इम्पोर्टेंट था पूरा यूट्यूब पे इस पर मेरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं बस शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि UGC जो है 1953 में बनी। UGC का पहले नाम क्या था? UEC था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, जिसके चेयरमैन कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। उसके बाद जो UGC 1953 में UEC का ही नाम बदल के UGC किया गया, ठीक है ना, UEC जो 1948 में बनी उसी का नाम चेंज करके UGC किया गया, कब? 1953 में UGC बनी। ठीक, उसके बाद इसके पहले चेयरमैन थे जो एक्ट नहीं बना था, तब कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। ठीक, और जब UGC एक्ट बन गई 1956 में, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? CD देशमुख, याद रहेगा। उसके बाद करंट चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर, अभी हैं, कौन है? प्रोफेसर ममी दला जगदीश कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, UGC एक्ट आपको 1956 में बनी है, UGC कब बनी है? 1953 में, और UGC का पुराना नाम क्या था 1948 में? UEC था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक, तो ये चीज़ आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ रीजनल ऑफिसेज भी होती हैं UGC का, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है और हैदराबाद, और इसके साथ आपको पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता और बेंगलोर, यहाँ पे इसके क्या है? रीजनल ऑफिसेज भी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका था कुछ कमिटीज़ और कमीशंस होंगी UGC का, तो हम लोग इसमें जितना पढ़ेंगे वो सभी, जितनी भी कमिटीज़ हैं वो सब UGC की है, ये ध्यान में रखिएगा, और ये सब का अच्छे से ईयर और लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला इसमें कमेटी है लाइब्रेरी कमेटी 1957, रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस 1961, फिर आपका है एजुकेशन कमीशन 1964-66, मेहरोत्रा कमेटी 1983, कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज़ और लाइब्रेरीज इन फिलिपनेट 1988, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1992-1993, फिर रस्तोगी कमेटी 1997, और फिर उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1997 से 2001। हम लोग बात करेंगे तो देखिए, एक तो आपको प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले भी क्या हुआ कि बहुत सारी कमेटीज़ बनी, ठीक है ना, और आज़ादी के बाद भी बहुत सारी कमेटीज़ बनी, तो आज़ादी के पहले जो बनी उसमें बस एक तो ईयर बस याद रख लीजिएगा कि जैसे आपका हंटर कमीशन 1882 में हंटर कमीशन बनी, है ना, और फिर आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनी 1902 में, और फिर सेडलर कमीशन बनी 1917 में, और सेडलर कमीशन बार बार चेंज भी हुआ, ठीक है ना, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसे नाम हम बता दे रहे हैं। फिर हर्तुक कमीशन जो है 1929 में बनी, और उसके बाद सार्जेंट प्लान 1944 में। ठीक, तो ये आपके आज़ादी से पहले की है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था आपका क्या था? एस राधा कृष्णन की बनी, ठीक है, और उसी को हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी जो है रंगनाथन की 1957, ठीक है, ये इसके चेयरमैन जो थे SR रंगनाथन साहब थे,
और इस कमेटी को ही क्या कहा जाता है, रंगनाथन कमेटी भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, 1957 में ये कमेटी बनी, और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, रंगनाथन साहब थे, ठीक है ना। और इसमें इस कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन दी गई, दो तीन पॉइंट्स में जो इम्पोर्टेंट है आपको बता रहा हूँ, ठीक। इस कमेटी में ये कहा गया कि एक तो ये सबसे पहली कमेटी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस मांगी किससे, किसी लाइब्रेरी प्रोफेशनल से। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहा कि पहली बार किसी लाइब्रेरियन से क्या मांगा गया था, एडवाइस मांगा गया, सलाह मांगी गई थी, ठीक है। दूसरा इसमें आपको इम्पोर्टेंट एक और चीज़ क्या था कि इस कमेटी में कहा गया, जो रंगनाथन साहब की जो कमेटी थी, इस कमेटी में क्या कहा गया कि इसमें आप ये करो कि लाइब्रेरियंस को प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल हो लाइब्रेरियंस जो हो वो क्या हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है। किसने कहा, इस कमेटी ने कही। पहले क्या होता था ना कि पहले कोई भी थोड़ा बहुत जो पढ़ने वाला था, जो थोड़ा बहुत जानता था, उसको क्या कर दिया था, लाइब्रेरियन अपॉइंट कर दिया जाता था, लाइब्रेरियन वो बन जाता था। तो रंगनाथन ने उस चीज़ को क्या कहा कि जो लाइब्रेरियन हैं उनको थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, और एक तरह से कह लो कि वो कोर्स करके आए, थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग करके आए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें किसने कही, रंगनाथन की कमेटी ने कही, वही मतलब लाइब्रेरी कमेटी ने कही अपनी रिकमेंडेशन में। उसके बाद इस कमेटी ने एक क्या किया, एक चीज़ और सजेस्ट की कि एक और कमेटी लाई जाए जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग्स को देखे, एग्जामिन करे, ठीक है। किसने कहा, लाइब्रेरी कमेटी ने, ठीक है। और क्या रिकमेंडेशन इनकी थी, इनकी रिकमेंडेशन थी कि फुल टाइम लाइब्रेरी साइंस की फैकल्टी हो। पहले क्या होता था कि फैकल्टी नहीं होती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि फुल टाइम एक आप क्या कर लो, लाइब्रेरी साइंस की फैकल्टी लाओ और बनाओ, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि इसमें कुछ इसके मेंबर्स होते हैं। एक बार नेटवर्क में भी पेपर में और अदर जगह भी पेपर में पूछ लेता है कि लाइब्रेरी कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स थे। तो चेयरमैन तो आपको पता है एस आर रंगनाथन साहब थे, लेकिन इसमें जो मेंबर्स थे वो थे आपके एस बशीरुद्दीन साहब थे, के एस हिंगवी साहब थे, बी एस केसावन साहब थे, और एस पार्थासारथी साहब थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा जो इसमें पॉइंट है आपका, वो है लाइब्रेरी कमेटी कंडक्टेड अ सेमिनार ऑन वर्क फ्लो इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी एट दिल्ली फ्रॉम मार्च 4 to 7, 1959 टू अप्राइज दी लाइब्रेरियंस अबाउट दी फाइंडिंग्स ऑफ देयर सर्वे। आपको बस ये याद रखना है कि एक ये लाइब्रेरी कमेटी जो थी उन्होंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था, किस कब, 1959 में, ठीक है। बस ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये कमेटी जो थी आपकी रिपोर्ट सबमिट कब की, 1959 में। उसका टाइटल जो था क्या था, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज, जिसको पब्लिश यूजीसी ने बाद में किया, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो सबसे अच्छा पॉइंट कह लीजिए या जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो वो ये था कि द कमेटी ओपिनियंस डैट लाइब्रेरी ग्रांट शुड बी कैलकुलेटेड बाई अप्लाइंग द फार्मूला एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड 200 पर रिसर्च स्कॉलर एंड टीचर। मतलब ये था कि आप इसमें क्या करो, 15 रुपया स्टूडेंट को और 200 रुपये टीचर और रिसर्च स्कॉलर जो हैं उनको दो, उनके हिसाब से आप रखो, ठीक है। ये किसने कहा, ये अमाउंट याद रखिएगा, अभी जाके ये अमाउंट आगे चेंज भी होगा। 15 रुपया और 200 रुपया किस कमेटी ने कही, तो आप याद रखिएगा क्यों, रंगनाथन साहब, ठीक है, लाइब्रेरी कमेटी। उसके बाद मतलब सिंपल इसका ये था कि यूनिवर्सिटी को क्या है, 15 रुपया स्टूडेंट्स पर और 200 रुपया हर रिसर्च स्कॉलर या टीचर पर क्या करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। बस सिंपल यही याद रखिए, ठीक है, अमाउंट याद रखिएगा क्योंकि अभी अमाउंट ये बदलेगा आगे, ठीक है। उसके बाद रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी साइंस 1961, ईयर याद रखिएगा। चेयरमैन इसके भी कौन थे, एस आर रंगनाथन साहब थे, ठीक है। और इन ये जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की वो कब किए, 1962 में। फिर उसके बाद द रिपोर्ट ऑफ दी रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी साइंस इंटाइटल्ड लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वाज पब्लिश्ड बाय यूजीसी इन 1965। जब ये रिपोर्ट सबमिट किए 1962 में, तो 1965 में यूजीसी ने क्या कर दिया, पब्लिश किया
उसका टाइटल का नाम क्या था, लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ये टाइटल याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इसके मेंबर कौन कौन से थे रिव्यू कमेटी के। तो डॉक्टर सीपी शुक्ला, के इसाक, एस बसीरुद्दीन, पीएन कौला, बीएस केसावन, डॉक्टर जेएस शर्मा, प्रोफेसर एस दास गुप्ता एंड विद डॉक्टर पीजे फिलिप्स सेक्रेटरी थे। ये चीज़ इनका याद रखिएगा, ठीक है, 1961 में। उसके बाद यहाँ पे कुछ कमी, इसमें भी थोड़ी सी रिकमेंडेशन आप अगर देखें तो इस कमेटी में ये कहा गया कि स्टाफ स्टूडेंट रेशियो की बात कही गई। मतलब ये था कि स्टाफ, मतलब यूजी की अगर बात करें, मतलब ग्रेजुएशन की, है ना, तो वहाँ पे यूजी और पीजी की बात कहें तो यूजी में उन्होंने क्या बताया कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो यूजी में उन्होंने क्या कहा कि 1:10, मतलब कि 10 स्टूडेंट पे एक टीचर को रखो। स्टाफ स्टूडेंट का रेशियो उन्होंने कितना बताया यूजी के लिए, 1:10। और बात करें अगर पीजी की, जो मास्टर्स की, तो उन्होंने क्या कहा, 1:5, ठीक है, किसके लिए, मास्टर्स के लिए, मतलब पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। तो ये एक इनकी रिकमेंडेशन रही। इसके बाद अगर हम, और इसमें रिकमेंडेशन में एक था कि जो इन्होंने क्या कहा कि करिकुलम बनाने की बात कही बैचलर्स की और मास्टर्स मास्टर्स की, ठीक है, बस इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका एजुकेशन कमीशन। अब एजुकेशन कमीशन सभी को पता है बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से एक तो ईयर इसका याद रखेगा, 1964 to 66, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन जुलाई 1964 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर बीएस कोठारी टू इवेलुएट द एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज द लाइब्रेरीज। द कमीशन स्टेटेड इन द फाइनल रिपोर्ट, और ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी एक लिखा है कि नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग देन टू इग्नोर इट्स लाइब्रेरी एंड टू गिव अ लो प्रायोरिटी। नो न्यू कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट शुड बी ओपेंड अनलेस एडिक्वेट नंबर ऑफ बुक्स आर प्रोवाइडेड इन दी लाइब्रेरीज। 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया आपको, कि अपॉइंट किया किसको, एजुकेशन कमीशन, ठीक, और उसके जो चेयरमैन थे वो डीएस कोठारी को अपॉइंट किया गया, ठीक। और जो डीएस कोठारी साहब थे, इनका पूरा नाम क्या है, दौलत सिंह कोठारी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया अपने इस कमीशन में कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ, नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग, इसका मतलब ये था कि इससे, मतलब इससे ज़्यादा और क्या, मतलब जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा कि आप लाइब्रेरी को इग्नोर कर रहे हैं। लाइब्रेरी आपकी क्या है, आपको पढ़ने की जगह है। आप एक यूनिवर्सिटी अगर बना रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी बनाओगे तो वहाँ तो बच्चे जाके पढ़ेंगे ना। तो एक साइड तो आप लाइब्रेरी बना के कह रहे हो कि बच्चे पढ़ें, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी को इग्नोर कर रहे हो तो वो इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद इन्होंने और क्या ऐड किया कि नो न्यू कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वाली जो बात इन्होंने लिखी, तो उसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि जब तक आप एक न्यू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ओपन ना करो, और नहीं होनी चाहिए, कब तक, जब तक कि उस वहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक अच्छे अमाउंट में क्या हो, वहाँ पे बुक्स ना प्रोवाइड किया जाओ, या वहाँ पे बुक्स ना हो, तब तक क्या हो, आप कोई नए डिपार्टमेंट और नए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को आप नहीं खोलिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका था, एजुकेशन कमीशन डीएस कोठारी साहब जो थे उनका था, ठीक है। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है कि एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं, तो डीएस कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एज अ नॉर्म अ यूनिवर्सिटी शुड स्पेंड ईच ईयर अबाउट ₹25 फॉर ईच स्टूडेंट एंड ₹300 पर टीचर, और फ्रॉम 6.5% to 10% ऑफ द टोटल बजट डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कोठारी कमीशन। दूसरा जो पॉइंट है, वाइल कमेंडिंग दी राधा कृष्णन कमीशन फॉर रिकमेंडिंग आइदर 6.25% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज और
पर स्टूडेंट एज एनुअल ग्रांट फॉर दी लाइब्रेरी। मतलब क्या है, यहाँ से पहले ये देखिए ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है। ठीक, यहाँ से आपको याद क्या रखना है, जो सब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं बार बार, आप लोग भी सवाल पूछते हैं कि किसमें कितना परसेंट का है। ठीक है, तो देखो जब आपसे 6.5 का है तो आपको क्या कर देना है, कोठारी कमीशन, मतलब एजुकेशन कमीशन। ठीक है ना, कोठारी को ही क्या कहते हैं, एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद जब आपसे कहेगा 6.25 तो आपको क्या कर देना है, राधा कृष्ण कमीशन। ठीक है, क्लियर हुआ आप? मतलब 6.5 कहेगा 6.5% तो आपको बता देना है कोठारी कमीशन ने कहा होगा, और 6.25 जब कहेगा मतलब 6.25% करीब, तो ये आपका हो जाएगा राधा कृष्णन कमीशन। अब क्लियर हो गया, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अब थोड़ा सा पेन का ज़्यादा भी हाथ मेरा बैठा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका जो है 25 रुपीज़ स्टूडेंट और 300 रुपया पर टीचर। याद है आपको मैंने कहा था राधा रंगनाथन साहब का 15 रुपीज़ और 200 रुपीज़ की बात कही थी, तो चेंज होगा मैंने बताया था ना आपको, वही चीज़ यहाँ पे भी आ गया कि यहाँ पे क्या है लेकिन बढ़ गया, 1500 से यहाँ 25 हो गया और यहाँ 200 से 300 हो गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी को कितनी खर्चा करना चाहिए, 25 रुपया स्टूडेंट और 300 रुपया टीचर्स पे खर्चा करना है, किसने बताया, कोठारी कमीशन ने। और परसेंट के हिसाब से बोले तो मिनिमम 6.5% आपको, अब 10% तक लेके जाना है। और वही चीज़ राधा कृष्णन ने कितना कहा, 6.25% है ना, और 40 रुपया एनुअल आपको स्टूडेंट पे खर्चा करना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, मैंने शुरू में जानबूझ के नहीं लिखा था ताकि आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा तो ज़्यादा आसानी होगा, दोनों को कन्फ्यूज़न जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। इसी को ही क्या कहते हैं, यू ई सी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन को ही क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद मेहरोत्रा कमेटी आती है। मेहरोत्रा कमेटी में 1983, और अब तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि आप लोगों को जब कमेटी हो ही रही है तो थोड़ा अच्छे से हो जाए, डिटेल में ना जाके इन शॉर्ट में आपको समझा दें। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मेहरोत्रा कमेटी ने में चेयरमैन जो थे प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा, इमेरिटस प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, टू कंसीडर दी रिवीजन ऑफ पे स्केल्स, कैरियर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। मतलब ये है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अपनी कमेटी में कि रिवीजन ऑफ पे स्केल्स की बात कही। मतलब ये था कि पहले क्या होता था, देखो आज के टाइम में हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा तो होता नहीं था, लाइब्रेरियन है या कोई भी अपॉइंट हो जाता था। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बोला कि ग्रेड्स की बात कही, सिंपल ऐसे समझो कि ग्रेड्स की बात कही, है ना, कि वो 4200 ग्रेड पे काम करेंगे तो वो आपके 6000 ग्रेड पे बात करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि इन्होंने क्या कहा, पे स्केल्स के बाद जो कही तो उन्होंने ये कहा कि असिस्टेंट जो लाइब्रेरियन है ना, असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो है वो किसके बराबर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर होंगे। ठीक है, और जब आपकी डिप्टी लाइब्रेरियन की बात होगी तो वो आपके किसके बराबर हो जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर, और जब आपकी लाइब्रेरियन की बात होगी तो वो उनको कंसिडर कितने ये ग्रेड पे किया जाएगा, जो ग्रेड आपको प्रोफेसर की जाती है वही उसी ग्रेड पे आपको लाइब्रेरियन को भी करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन किसने दिया, तो मेहरोत्रा कमेटी ने दी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और मतलब सिंपल ऐसे याद रखिएगा कि AL इज इक्वल टू AP, मतलब असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो होंगे वो AP के बराबर माने जाएं, उनके जितना ग्रेड है वही ग्रेड आपको AL के लिए भी माना जाए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आपको थोड़ा सा बताऊं कि देखिए ईयर तो 60 साल पहले तो होता था कि टीचर जो होंगे, प्रोफेसर जो होंगे रिटायर होंगे 60 ईयर्स पे, है ना, और लाइब्रेरियन के भी, लेकिन जब फिर आगे बढ़ाया गया तो पहले 62 ईयर्स हुए, तो लाइब्रेरियन की भी जो
रिटायरमेंट की एज हुई 62 किया गया। फिर जब आगे बढ़ाया गया तो लाइब्रेरियन के लिए नहीं बढ़ाया गया, लाइब्रेरियन 62 पे ही क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन टीचर्स क्या है, जो प्रोफेसर हैं वो आपके 65 ईयर उनकी एज होनी चाहिए, वहाँ तक वो जा सकते हैं, 3 साल तो वहाँ बढ़ गए। लेकिन हम लोग क्या है, जो यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरियन होते हैं वो क्या है, 62 ईयर्स तक ही रह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने आईसीटी की भी बात कही कि आईसीटी को लाइब्रेरी में यूज़ करने की बात भी इन्होंने कही थी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आपको बस ये थोड़ा सा एक याद रख लेना है कि इनका कमिटीज़ जो थी वो आपका 1986 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर रही है। उसके बाद कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज़, इन्फ्लिपनेट। यहाँ पे आपको इन्फ्लिपनेट ध्यान में रखना है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 7th 5-year plan की बात चल रही है। ठीक है ना, 1985 से 1990 7th 5-year plan। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्फ्लिपनेट जो आया वो किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, तो प्रोफेसर यशपाल साहब। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। और इस कमिटी के जो चेयरमैन भी थे वो कौन थे, प्रोफेसर यशपाल साहब थे, यूजीसी के चेयरमैन थे वो वहाँ पे। ठीक, उसके बाद से एक पॉइंट मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया कि द प्लानिंग कमीशन हैड सेटअप वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेटिक्स फॉर द 7th 5-year plan 1985 to 1990 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एन सेसागिरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये है इसमें कि इन्होंने एक तो ईयर आपका हो गया, और इस जो कमेटी थी, इस कमेटी का आप नाम याद रखिएगा कि जब आपसे पूछ ले वर्किंग ग्रुप ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेटिक्स, ये चेयरमैन इसके कौन थे, तो डॉक्टर एन सेशागिरी, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी सवाल आपसे ऐसे ही पूछ लेता है और वहाँ पे एग्जांपल आपको यशपाल भी दे देगा और सेशागिरी भी दे देगा, अदर्स भी नाम दे देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्फ्लिपनेट को लाने वाले यशपाल साहब थे। ठीक है ना, ये ऐसे ध्यान में रखिएगा, ट्रिक बना लीजिएगा अपना। ठीक, इस कमेटी में और क्या कहा गया कि आपको एक नेटवर्किंग की बात कही गई है ना, और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की भी बात कही गई कि पहले क्या है कि देखिए, एक लाइब्रेरी तो हर चीज़ें तो नहीं खरीद सकती है, सारी रिसोर्सेज तो नहीं खरीद सकती है। तो उसको क्या किया गया कि इस कमिटी ने कहा कि हम लोग शेयरिंग करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। मान लीजिए एक लाइब्रेरी में कुछ इन चीज़ें हैं, दूसरे लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें हैं, तो एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्किंग बना लेंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि इजिली हम लोग एक दूसरे से सामान, अगर आपकी लाइब्रेरी में कुछ है, मेरे लाइब्रेरी में कुछ है, तो हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब थोड़ा रिसोर्स शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपको इस कमेटी में कही गई। ठीक, इसके बाद जो आपका कमेटी है, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सीडीसी, याद रखिएगा सीडीसी फर्स्ट ही है, 1990 से 1993। इस कमेटी में क्या कहा गया, एक तो इसके मेंबर्स याद रखिएगा कि कौन थे, एस जी महाजन, प्रोफेसर ए के आनंद और पी के महापात्रा, डॉक्टर आई के रविचंद्र राव। ठीक है, और भी इनके कुछ थे, इतना याद रखिए नाम इनका। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो चेयरमैन थे वो आपके पी एन कौला साहब थे, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद आपका इस कमेटी में क्या है कि इन सितंबर 1990 द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस LIS वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द UGC पैनल ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टू मॉडर्नाइज द करिकुलम ऑफ LIS कोर्सेस। मतलब इन्होंने ये कहा कि मॉडर्नाइज करने की बात कही, लाइब्रेरी जो कोर्सेज थी उनको क्या करने का, मॉडर्नाइज करने के लिए कहा गया, और एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट हो। कुछ जगह पे पहले क्या होता था ना कि कुछ जगह पे लाइब्रेरी की एक अलग डिपार्टमेंट नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि एक अलग डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस का बनाओ, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, किसने कहा,
इस कमेटी ने, सीडीसी फर्स्ट वाले ने, ठीक है। उसके बाद आपका रस्तोगी कमेटी आती है, रस्तोगी कमेटी में चेयरमैन कौन है, आरपी रस्तोगी, और 1997 में ये कमेटी अपॉइंट हुई आई। उसके बाद इसके चेयरमैन आपको याद रखना है नाम। और फिर इन इस कमेटी ने क्या कहा कि द यूजीसी अपॉइंटेड अ कमेटी 1997 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर आरपी रस्तोगी टू कंसीडर द रिवीजन ऑफ पे स्केल्स एंड कैरियर एडवांसमेंट ऑफ द एकेडमिक स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। मतलब यह है कि यहाँ पे भी देखिए रिवीजन ऑफ पे स्केल्स की बात कही है, पे स्केल्स आपको पहले ही बताया, और यहाँ पे क्या कहा गया कि कैरियर एडवांसमेंट ऑफ द एकेडमिक स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। मतलब क्या है कि अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई मान लीजिए इम्प्लॉयज़ है, अगर काफ़ी साल से वहाँ पे काम कर रहा है, तो आप उसको क्या करो, उसको आप बढ़ावा दो। आप मान लीजिए कि कोई 6 साल से काम कर रहे की पोस्ट पे, तो आप उसको प्रमोट करो, ठीक है ना, उसको आप क्या करो, आगे बढ़ाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को 10 साल 20 साल तक की पोस्ट पे आप रख रहे हो। तो ये भी चीज़ किसने कहा, रस्तों की कमेटी ने कही, ठीक है। मान लो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर को फिर आप एसोसिएट बनाओ, फिर वो प्रोफेसर बनेगा, फिर वो आगे, ठीक। तो इस तरह से क्या है, प्रमोशन की एक तरह से इन्होंने बात कही थी। इसके बाद आपका आता है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, ये सेकेंड है सीडीसी 1997 टू 2001। इसके जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर सी आर कृष्णदप्पा हैं। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि पहले वाले का चेयरमैन कौन है और दूसरे वाले का चेयरमैन कौन है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कन्फ्यूज़न जो होता है। तो दूसरे वाले का हमारे जो है सी आर कृष्णदप्पा हैं, ठीक है। और इन्होंने रिकमेंडेशन में क्या कहा है, देखिए दूसरा जो पॉइंट है, टू फॉर्मुलेट मॉडल करिकुलम एंड प्रिपेयर द स्टेटस रिपोर्ट विथ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस वेयर नेसेसरी। मतलब ये था इनका कि अगर कह रहे हैं कि अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है ना, अगर कहीं पे आपको लग रहा है तो आप हमें बताइए, रिपोर्ट आप हमें दीजिए, हम उस पर देखेंगे, हम आगे गवर्नमेंट को भेजेंगे, यूजीसी को भेजेंगे। ये किसने कहा, सीडीसी कमेटी ने कही, ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत है तो, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन को भी कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रमोट किया कि वो बीली बैमली डिस्टेंस एजुकेशन से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं बीली बैमली, ठीक है। और ऐसे इग्नू ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाई हैं उनको भी क्या कहा, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी आप रिपोर्ट में बताइए। ये सब किसने कहा, सीडीसी कमेटी ने। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि इस कमेटी ने ये भी कहा कि या तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स करो 2 साल का, या फिर आप ये कर दो कि 1 साल का बीलिव और 1 साल का एमलिव करो, ठीक है। ये किस कमेटी ने कही, तो सीडीसी वाले कमेटी ने कही, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो कमेटी आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब ये जो है एक ईपीजी में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ले लिया कि द मोस्ट एम्बिशियस रिकमेंडेशंस वे आर रिकमेंडेड बाय द कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू कमेटी 1979 टू 80 हुज चेयरमैन के एन राज रिकमेंडेड 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी बजट बी स्पेंड ऑन लाइब्रेरीज। यहाँ पे 20% की बात कही इस कमेटी ने कि क्या है, खर्चा करना चाहिए लाइब्रेरी पे, ठीक है ना। जो यूनिवर्सिटी का बजट होता है उसका 20% आपको लाइब्रेरी पे क्या है, स्पेंड करना चाहिए। बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके उसके बाद आपका एक और यहाँ पे प्रोग्राम है, द व्हीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम कब आया, 1951 में। कभी कभी डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, दी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कनपोलिस इन 1985 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय दी देन चेयरमैन ऑफ आरएलएलएफ। कनपोलिस सबमिटेड एन इंटरिम रिपोर्ट ऑन मार्च 1986 एंड फाइनल सबमिट रिपोर्ट ऑन मई 1986। मतलब क्या है कि एक कनपोलिस आई, इसके चेयरमैन आप लोग भी देखे होंगे कि सवाल बार बार इसका पूछता है कि कनपोलिस के चेयरमैन कौन थे और कब आई, 1985 में आई, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, 1986 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डी पी चट्टोपाध्याय थे, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा।
उसके बाद अब आपका आता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे ये जितने ईयर्स दिए हुए हैं आपको अच्छे से सारे सीक्वेंस में याद कर लीजिए। सबसे पहली जो थी आपकी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी लाइब्रेरीज एक्ट, जो आज के टाइम में हम लोग तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, एक्ट 1948। ठीक, उसके बाद आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1965, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967, उसके बाद वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979, फिर मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988। यहाँ तक आप पहले एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है चेंज। ठीक है, देखो यहाँ तक आपको क्या करना है पहले ऐसे याद कर लीजिए, इसके बाद क्या करना है देखो, दो दो चीज़ आपके साथ इंक्लूड होंगी, फिर यहाँ पे दो जाएंगे, फिर यहाँ पे दो जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके थोड़ा पेन वन सही अभी अब चल नहीं रहा है मेरे से, फिर भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक पेयर बना लेना है, जोड़ा बना लेना है, हरियाणा और केरला एक साथ कर दीजिए, ठीक 1989 ऐसे याद कीजिए, फिर मिजोरम और गोवा एक साथ कर लीजिए 1993, फिर उसके बाद से गुजरात और उड़ीसा जो है उसको एक साथ याद कर लीजिए, ठीक, फिर उसके बाद उत्तराखंड आपको एक अलग हो जाएगा 2005 में, फिर उसके बाद आपका राजस्थान हो गया और यूपी हो गया उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार और छत्तीसगढ़, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर आपका आ जाता है तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है 2015। अब देखो यहाँ पे मैंने लक्षद्वीप नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है लक्षद्वीप, इसलिए क्योंकि जब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के साइट पे जाएंगे, RRF के साइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे लक्षद्वीप का कोई एक्ट नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो एक तो यहाँ से ईयर एकदम पूछता है, एक किसी का भी ईयर पूछ लेगा। दूसरा जो सवाल यहाँ से बनता है वो आपका बनता है सेस से, है ना, आपका क्या है देखो ये अपडेटेड है, आप इसको लिख लीजिएगा, मद्रास जो है या तमिलनाडु जो है वहाँ पे 10% प्रॉपर्टी टैक्स पे लगता है, फिर आपका लाइब्रेरी सेस 8% जो है आपका कहाँ पे आंध्र प्रदेश में लग रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 6% कहाँ लग रहा है कर्नाटका पे, लैंड बिल्डिंग्स और व्हीकल्स और प्रोफेशन पे आपके लग रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपका हरियाणा में लग रहा है, फिर आपका केरला में लग रहा है, ठीक, फिर उसके बाद आपका गोवा में आ गया, और लास्ट वाला आपका तेलंगाना में 8% लग रहा है ये वाला, ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक मैंने पहले भी ऑडियो में जो टेलीग्राम पे पढ़ाया था तब भी बताया था कि जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं, अब जो भी यहाँ पे मैंने टिक किया है या ये चलाया है पेन, वहाँ पे आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पे लाइब्रेरी सेस लग रहे हैं, तो आप ऐसे देखिए कि वहाँ साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे प्लस गोवा और हरियाणा, ये दो जगह आपको याद करना है, ठीक है। सरचार्ज आपका 1.5 रुपीज़ लग जा रहा, 1.5 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है, कहाँ पे गोवा में, और आपको हरियाणा में भी टैक्स सेस लगता है, ठीक है, बाकी आपके साउथ के जितने स्टेट्स हैं सब में, तो साउथ के आप जितने स्टेट्स यहाँ पे देखेंगे सब में आपका लाइब्रेरी सेस मिल जाएगा। तो यही एक ट्रिक है, आप बाकी आपको जैसे याद करना है आप कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैंने बताई ये आपको ईजी लगेगा, और एक ही बार में आप ऐसे करेंगे तो आपको सारा याद हो गया होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसी में एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा अगर लिख लीजिए, हालांकि पहले ये सब सवाल थोड़ा सा पूछता था कि ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे हुआ, तो बड़ौदा में हुआ, सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी में हुआ, ठीक, पीजी डिप्लोमा जो है वो भी मद्रास में हुआ, और बीलिप सबसे पहले शुरुआत किसने की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने की, फिर एमलिप, एमफिल और पीएचडी ये तीनों डीयू ने किया। अगर इसकी ईयर की बात करें तो आप ईयर ऐसे लिख लीजिएगा कि ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स जो था बड़ौदा ने जो शुरू किया 1911 में, ठीक,
फिर सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास ने कब किया, 1931 में, और पीजी डिप्लोमा जो है वो भी मद्रास ने शुरू किया 1937 में। फिर बीलिप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो शुरू किया वो 1958 में किया। फिर एमलिप जो है डीयू ने किया कब, 1949 में। फिर उसके बाद एमफिल कब शुरू हुआ डीयू ने, कब किया, 1978 ने, 8 में, ठीक है। और पीएचडी कब शुरू किया डीयू ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, 1951 में। तो ये आप ईयर थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए, तो ये चीज़ें आपकी हैं। इनकेस अगर कोई चीज़ किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।